दिल्ली एयरपोर्ट पर हादसे के बाद राजकोट हवाई अड्डे की छतरी गिरने की घटना सामने आई है। राजकोट के हीरासर में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की छतरी का एक बड़ा हिस्सा बारिश में गिर गया। राजकोट एयरपोर्ट की घटना में गनीमत ये रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हवाई अड्डे के निदेशक दिंगत बोहरा के अनुसार बारिश के कारण हवाई अड्डे के आगे की छत में जल भराव हो गया था, इसके चलते यह हादसा हुआ। बोहरा ने कहा कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। एक दिन पहले दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल का एक हिस्सा की छत गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत होने के साथ चार अन्य लोग घायल हो गए थे। हीरासार में बने राजकोट के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। राजकोट हवाई अड्डे के बाहर जिस हिस्से की छत गिरी है, वहां पर यात्री पिकअप और ड्रॉप होता है। संयोग से जब ये छत गिरी तो वहां पर कोई नहीं था, ऐसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने पर सौराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में भारी बारिश से NDRF की 7 टीमों को कच्छ, राजकोट, देवभूमि, द्वारका, गिर सोमनाथ, भावनगर, नर्मदा और वालसाड जिलों में तैनात किया गया है। राजकोट के नई हवाई अड्डे के शुरुआत में केंद्र सरकार ने 1405 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। जुलाई 2019 में इसकी कुल लागत 2654 करोड़ रुपए हो गई थी। इस हवाई अड्डे का निर्माण पिछले साल जून में पूरा हुआ था। इसके बाद जुलाई में यह सेवा के लिए खोल दिया गया था। अभी राजकोट के इस एयरपोर्ट से एयरपोर्ट के एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट उड़ान भरती हैं। राजकोट एयरपोर्ट की 7 गंतव्यों के लिए कनेक्टिविटी है। साल भर पहले शुरू हुए राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की छत गिरने के मुद्दे पर कांग्रेस ने BJP को निशाने पर लिया है। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के नेता अमित चावड़ा और इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने निशाना साधा है। श्रीनिवास ने इस मुद्दे पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी के ट्वीट को कोट करके निशाना साधा। तो वहीं दूसरी ओर अमित चावड़ा ने लिखा कि 27 जुलाई 2023 को PM मोदी ने राजकोट के हीरासर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, जिसकी छत आज पहली ही बारिश में ध्वस्त हो गई। मोदी जी CM थे तब गुजरात में भी ऐसे ही बेहद घटिया क्वालिटी के रास्ते से लेकर काम होते थे और मोदी जी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्वालिटी नहीं, पार्टी फंड और कमीशन देखकर देते हैं। टैक्स के नाम पर लूट मचा रखा है। घटिया क्वालिटी का दिखावे और PR का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके मोदी सरकार ने लोगों की जान से खिलवाड़ किया। खुद जिम्मेदारी स्वीकार करें या ना करें, अब जनता समझ रही है इससे कौन सही कौन कसूरवार है। चावड़ा ने लिखा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ चुकी है।